कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम होते हैं जो आपकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं, जिसके लिए हम मल्टीपल टेक्निक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज जो हम लीलावती में यूज़ करते थे वही हम समराला में लेकर आए हैं और हमारा नया क्लिनिक मोहाली में भी खुलने वाला है अक्टूबर से। अब यहाँ पे हमने फैसिलिटी ऐसी लाई है कि डॉक्टर साहब मेरे स्किन के जो मिसेज हैं और आईज़ का मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो जो भी सर्जरी आईज़ या स्किन से रिलेटेड होती है या इवन हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, आईज़ की बात करें तो सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन, काले मोतिया के ऑपरेशन, आँखों की प्लास्टिक सर्जरी, सारा कुछ हम यहीं पे कर रहे हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, ये लेखराम जी हैं कनेड से और इन्होंने पिछले हफ्ते हमसे ऑपरेशन कराया। ये दो शब्द हमारे बारे में कहना चाहेंगे, आदित्य ज्योति आई हॉस्पिटल नेर चौक के बारे में। जी अंकल, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं जी, यहाँ नेर चौक में मैंने पिछले हफ्ते ऑपरेशन कराया जी और उसमें मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। मेरे को अपने बहुत डॉक्टर ने इनकार कर दिया था जी, तो अपने डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन कराया और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और अभी हफ्ते बाद ही नज़र आपको अच्छी आ रही है। हाँ जी, जी जी, अब मैं चेक कराने आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, और अपनी आँख चेक कराने के लिए आया हूँ मैं जी। और आपका शायद पर्दे में ये वास्टिन वगैरह भी कुछ लगा था। हाँ, वो तो बहुत, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लिकेशन है, झिल्ली फटी हुई है, हाँ तो शायद लेंस टिक आने में दिक्कत आए, लेकिन अब हफ्ते बाद ही आपकी नज़र अच्छी बन गई। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से प्रभु आपकी जो जोत है वो बनाए रखे और आप पे कृपा अपनी बनाए रखे। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं जी अंकल। नमस्कार, धन्यवाद। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जैरैत आई एंड स्किन हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर ऋचा जी के साथ, जिन्होंने क्रिएशंस की हैं समराला में, पहली बार ऐसे प्रोसीजर लेकर आए हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। ऋचा जी, क्या कहना चाहेंगे कि स्किन जो किसी समय पर बहुत ही स्किन वाले डॉक्टर्स को ये बोलते थे कि नहीं यार, तो बस ये ना तो स्किन वाले बंदे ठीक होने और ना ही जो है ये इनकी मेडिसिन ख़त्म होनी है, और एक ये समय है जब स्किन का डिपार्टमेंट हर लड़की प्रेफर कर रही है क्योंकि स्किन के साथ कॉस्मेटोलॉजी जुड़ गई है और लोग अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, सुबह उठते हैं आईने की तरफ देखते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि हम स्किन वालों से जो भी प्रोसीजर्स लेने लें। अब ज़माना बहुत बदल गया, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर ऋचा जैरैत हूँ, मैं MBBS MD बॉम्बे से हूँ, GMC मुंबई। मैं एक्स एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हूँ लीलावती हॉस्पिटल बॉम्बे में। अब मेरा कहना ये है कि डर्मेटोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक पुरानी एक नई। पुरानी मतलब सारी स्किन डिजीज़ेस, एलर्जी, सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे फुलवेरी हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, सोराइसिस हो गया, हेयर फॉल हो गया, हेयर ग्रेइंग हो गया, पिंपल्स हो गए, जो आजकल सब में हर परिवार में कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और एक नई ब्रांच है, दैट इज़ कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम होते हैं जो आपकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं, जिसके लिए हम मल्टीपल टेक्निक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हम लीलावती में यूज़ करते थे वही हम समराला में लेकर आए हैं और हमारा नया क्लिनिक मोहाली में भी खुलने वाला है अक्टूबर से। तो जो अब आपके सामने मैं कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ, टेक्नोलॉजीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है हाइड्रा फेशियल, मेडी फेशियल, लेज़र हेयर रिडक्शन, CO2, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, डर्मा पेंस, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, ओरल ग्लूटाथायोन्स एंड लेज़र हेयर रिडक्शंस,
एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्कार रिमूवल, हर तरह के दाग धब्बे गड्ढे छाइयाँ, मोल्स रिमूवल, कॉर्न रिमूवल, हर तरह की स्किन की सर्जरी, फुलवेरी के लिए दवाइयाँ, फुलवेरी के लिए सर्जरीज, बालों के लिए दवाइयाँ, बालों के लिए PRP ट्रीटमेंट, GFC ट्रीटमेंट्स एंड हेयर मीजोथेरेपीज जो हम अब करेंगे यहाँ पर, हमने स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि फुलवेरी की जैसे बात की है, कोई ज़माना था कि जब लोग फुलवेरी वाले पेशेंट को तो ये सोचते थे ये बढ़ती जाएगी और कभी भी इसका इलाज नहीं होगा, लेकिन आप डॉक्टर्स ने जैसे नई नई क्रिएशंस की हैं, नई नई मेडिसन्स आ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि फुलवेरी के ऊपर भी आज कल निजात पाया जा सकता है? फुलवेरी का इलाज कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की फुलवेरी है। एक फुलवेरी होती है सेगमेंटल, जो कभी ठीक नहीं होती है। एक फुलवेरी होती है नॉन सेगमेंटल, जिसमें हम मल्टीपल दवाइयाँ, मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड अगर वो ठीक ना हो तो सर्जरी के थ्रू हम फुलवेरी को ऑलमोस्ट 100% ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को एक नॉर्मल बाकी लोगों की तरह जीने का अधिकार दे सकते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ब्राइड ब्राइड ग्रूम्स प्रेफर कर रहे हैं कि हमने स्मार्ट बनने के लिए जाना है डॉक्टर साहब के पास, क्या कहना चाहेंगे कि ये चेन बन चुकी है, आपने एक लड़की को ठीक करते हैं, एक का कम्प्लेक्शन देते हैं तो वो आगे आगे चेन बन रही है, और आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं कि डॉक्टर इच्छा एक ऐसी डॉक्टर आ गई है जो हमें मैरिज के समय हमारे फेस के ऊपर ग्लो ला सकती है। हमारे लिए हर एक पेशेंट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे वो ग्रूम हो, चाहे वो एक नॉर्मल पेशेंट हो। हर एक को आजकल कोई भी दाग धब्बे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए होती, हर बंदा सुंदर बनना चाहता है आजकल। बट ये है, हम बस हर पेशेंट को एक इम्पॉर्टेंट पेशेंट समझते हैं, उनका काम अच्छे से करते हैं, उसके बाद चेन अपने आप बन जाती है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते जाते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते जाते हैं। हमारी ये है, कोई हमारे ऊपर विश्वास करके आया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रिजल्ट दें। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो मिशन है, आप बम्बे से आए और हमारे पंजाब में सेवा दे रहे हो, और आने वाले समय में ये जाहिरात तो मेरे को लगता है कि पंजाब सभी में आपकी ब्रांचेस होंगी। जैसे आप एक बहुत ही बड़ा माइंड में एक कंसेप्ट है आपके डॉक्टर साहब के, और ये जो है हमें सभी जगह देखने को मिलेगा एक दिन पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब। हम कोशिश तो ये करेंगे जो भी काम करें अच्छा करें, जो भी काम करें उसमें ग्रो करें, सेटिस्फाई करें पेशेंट्स को, खुशियाँ दें और खुशियाँ बांटें। बस अवेयरनेस के ऊपर आप काफ़ी काम कर रहे हैं, आप कॉलेजों में जाकर लेक्चर दे रहे हैं, आप लोगों को जो भी आते हैं उनको काउंसल करते हैं, भाई आपने आज का जो सिनेरियो है इसमें कैसे आपने लाइफस्टाइल रखना है, कैसे आपने मोबाइल से दूर रहना है, क्या कहना चाहेंगे कि आपका हमेशा यही माइंड होता है कि जो पेशेंट मेरे साथ जुड़ गया उसको एक प्रॉब्लम लेकर आता है लेकिन उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं। हम चाहते हैं कि पेशेंट बोले कि हम मैम के पास जाएं और एक ही बार में ठीक होकर जाएं, यही मेरा सिनेरियो है। यही हम चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाएं, दोबारा उनको ये ना हो कि हमें बार बार डॉक्टर बदलना पड़ रहा है या कहीं और जाना पड़ रहा है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो हमने कुछ कैंप्स लगाए, कुछ अवेयरनेस क्रिएट करी, कुछ टीनएजर्स के ऊपर लेक्चर्स दिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डाटा, आपका हमें समझ देने के लिए, क्योंकि लंबी पेशेंट की लिस्ट है और बहुत काफ़ी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सत श्री अकाल बीजी। ये पाल माजरे तो साढ़े बीजी ने, तो इन्होंने ऑपरेशन कराया जैरथ हस्पताल समराले विखे, तो ये दो शब्द साढ़े बारे कहना चाहते थे अपने ऑपरेशन बारे। ते बहुत वधिया ऑपरेशन होया, मेरी निगाह एन बहुत वधिया, साढ़े पिंड दे पांच जाणियां ने ऑपरेशन करवाया सी, उन्हां दी प्रशंसा सुन के मैं इत्थे आई सी, तां मेरा ऑपरेशन बहुत वधिया क्लीयर होया। ते नाले हले तां हफ्ता ही होया मेरे ख्याल, है ना? ते तुहानूं कोई दर्द तकलीफ ऑपरेशन दे दौरान, ते स्टाफ दा वेरवा थोड़े नाल, सब कुछ वधिया? मैं बाहर भी सब नूं कहनी आ वी तुसीं ठीक है उत्थे इक वारी पहुंचो, नाले खुश हो, नाले खुश हां। ठीक है जी, चलो वधिया, धन्यवाद जी बीजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा भी सुन लेगा कनाडा जा। ठीक है बीजी, ठीक है, सत श्री अकाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जैरथ आई एंड स्किन हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि समराला में बहुत बड़ी जरूरत थी इन दोनों ब्रांचेज की और बड़े डॉक्टर्स की, आप लोग बहुत ही बड़ी डिग्री लेकर यहाँ पर आए
और लेटेस्ट मशीनरी जिसके लिए लोगों को चंडीगढ़ लुधियाना जाना पड़ता था, वो मशीनरी आपने यहाँ याद की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, याद से पहले तो ऐसे था कि जो भी पेशेंट समराला या आसपास के सूबों से आता था उसको समराला से भी आगे फिर लुधियाना या चंडीगढ़ ही जाना पड़ता था। बट अब यहाँ पे हमने फैसिलिटी ऐसी लाई है कि डॉक्टर साहब मेरे स्किन के जो मिसेज हैं और आईज़ का मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो जो भी सर्जरी आईज़ या स्किन से रिलेटेड होती है या इवन हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, आईज़ की बात करें तो सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन, काले मोतिया के ऑपरेशन, आँखों की प्लास्टिक सर्जरी, सारा कुछ हम यहीं पे कर रहे हैं। तो हमने तो अपनी तरफ से सारी फैसिलिटी कोशिश की है कि बंदे को आगे जाना ही ना पड़े। हाँ, कोई बहुत ख़राब केस है तो उसको तो चंडीगढ़ आपको भेजना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर 90 से 95% जो आईज़ का सारा काम है वो हम यहीं कर रहे हैं। जैसे चाहे आई प्रेशर की बात हो, चाहे आई टेस्टिंग की बात हो, तो लेटेस्ट जो है मशीनें हैं, और चाहे लेज़र की बात हो तो लेज़र में भी आपने बहुत ही एडवांस चीज़ें जो हैं यहाँ पर याद की। सर, बात करें तो जैसे अब मैं एक छोटी सी बात का एग्जांपल लूँगा, अब जैसे माइग्रेन एक प्रॉब्लम है कि हाँ भी एन का लगानी है कि नहीं लगानी, सिर दर्द आपको पता है बहुत ज़्यादा, सारे बच्चे आईटी में हैं आजकल, उसी की बात करें तो एक नॉर्मल स्कैन जो है वो 1.5-2 लाख का भी आ जाता है, तो हमारे जो स्कैन है वो 10-10, 15-15 लाख के हैं, वो जैपनीज़ मशीन के स्पेशल है, तो जिससे कि नंबर इतना सटीक निकलता है कि हम एक बार लगाते हैं और बच्चा भी खुश, कनाडा भी जा रहा है तो 4-4 एन के बना के लेके जा रहा है कि हाँ भी चला आईटी का काम है, वहाँ जाके मेरा स्टूडेंट वीज़ा लगा है, वहाँ जाके सारे दिन कंप्यूटर पे ही रहना है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमने कोशिश की है अपनी तरफ से, और रिजल्ट भी अच्छे हैं, हमारे रिजल्ट भी बोलते हैं, जितना पेशेंट है सारा सेटिस्फाइड है। जैसा कोई ज़माना था जब हम सफ़ेद मोती की बात कर लें, हम लोग लेंस की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा परहेज थे और लोगों को आपने आके आगे नहीं बैठना, ड्राइविंग नहीं करनी, लेकिन आजकल तो डे केयर सर्जरीज बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लेटेस्ट सर्जरीज जो हैं वो डे केयर सर्जरीज हैं, आप आते हो और उसी दिन आप नॉर्मल हो जाते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने हॉस्पिटल का ही आपको एक रूटीन शेयर कर देता हूँ। मेरा हॉस्पिटल एक हिमाचल में भी है, दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पर है, तो मैं तो एक ही दिन जाके वहाँ पे चाहे 15 हो चाहे 20 हो जितने भी ऑपरेशन हो करके आ जाता हूँ। और यहाँ पे भी मैंने शेड्यूल ये रखा है कि सवेरे मैंने पेशेंट को बोला कि भी 10 बजे मुझे स्नेहा दे दो कि आज आपने आना भी ऑपरेशन कराने, लगभग 1-1.5 बजे हम बुलाते हैं और 3:30-4 बजे बंदे को घर वापस भेज देते हैं, इतना सा काम है। और उसमें यह है कि बंदा खुद आके गाड़ी खुद चला के भी जा सकता है, बिना टीके से ऑपरेशन हो जाता है, तो सिर्फ डालने की दवाई से सुन करके साथ के साथ ही ऑपरेट करके बंदे को हम घर भेज देते हैं। ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि आज वो जटिलता, वो जो दर्द थे उनसे भी निजात पा चुके हैं लोग, और कटिंग जो है ये सारे लेज़र के साथ, मतलब बहुत ही नई टेक्निक्स हैं जिनके साथ लोग ये फ़ायदा ले रहे हैं, और जैसे जैसे समय बदल रहा है आपने बिल्कुल लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट आता है आप उसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं? हाँ नहीं सर, वही डिपेंड है ना कि कौन सी कंट्री की मशीन आप यूज़ कर रहे हो। अब जैसे हमारे जो माइक्रोस्कोप हैं, जो दूरबीन है जो आँख में देखने वाली, वो जर्मनी की है, तो जर्मनी में देखिए कार्ल ज़ाइस से ऊपर तो कोई लेंसों में नाम ही नहीं है, तो कार्ल ज़ाइस की आपका देखने का बायनोकुलर हो गया। अच्छा, फिर जो मशीन है हमारी वो स्विट्ज़रलैंड की है जिससे हम मोतिया को हटाते हैं, तो जितनी आप मशीन एक तो फाइन यूज़ करोगे, बाकी तो सर्जन का हाथ के साथ जो एक्सपीरियंस है, अब मेरे को 15 साल हो गए हैं लेंस डालते हुए, तो उस हिसाब से धीरे धीरे हमारी सफाई इतनी आ जाती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन हो जाता है जो मूल काम है लेंस डालने का। बाकी तो सिर्फ आँख की पुतली फैलाना और बंदे को थोड़ा एंटीबायोटिक्स डाल के आँख को तैयार करना, उसमें 1.25 घंटा मैं जो आपको कह रहा हूँ वो लगता है, ऑपरेशन तो 10 मिनट का है। जैसा काला मोतिया जो कि एक किसी समय पर बिल्कुल ऐसा साइलेंट किलर था आइज़ के लिए, हमारी विज़न के लिए, जो आजकल लोग अवेयर हैं, समय रहते अपना टेस्ट करा लेंगे, तो उनके लिए काला मोतिया के साथ भी आप लोग सारी ज़िंदगी अंधे नहीं होंगे, और अपनी ज़िंदगी अगर आप डॉक्टर के हिसाब से चलोगे तो आप क्लैरिटी से जा सकते हो। जी, काले मोतिया के रिगार्डिंग ये है कि अब जैसे आजकल दवाइयाँ बहुत, एक तो एडवांस आ गई हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आ गए, बहुत सारी दवाइयों की वैरायटी आने के कारण प्रेशर का जो कंट्रोल है वो काफ़ी बेटर हो गया। सर्जरियाँ भी अब 3-4 प्रकार की आ गई, पहले जहाँ एक प्रकार की होती थी। और बस ये ज़रूर है कि काला मोतिया जहाँ आपने पहली बात की वो बड़ी समझदारी वाली थी कि साइलेंट ज़रूर है, तो इसके लिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हर 30, 35, 40 साल के ऊपर वाला बंदा, उसको अपना एक बार चेक ज़रूर करवाना है, 40 के बाद करवाना ही करवाना है, ऐसे नहीं और डॉक्टर को कह के करवाए कि डॉक्टर साहब मेरे पर्दे भी चेक कर लो, हमारे पास आ सकता है, हमारे पास आ जाए, जहाँ भी चेक कराए, लेकिन एक तो MD डॉक्टर से चेक कराए ताकि उसके पर्दों की जाँच एक बार हो जाए, नसें चेक कर ले डॉक्टर। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बीमारी ना छूट बहुत जाती है, तो छूट गई बंदे को 60 साल पे पता लगा तो ये वो है कि जैसे समुद्री रेत है कि आपके हाथ से जब छूट गई वो नज़र वापस नहीं आ गई।
इसके लिए इसका ये ध्यान है कि आपने चेकअप जरूर 40 पे, अवेयरनेस जरूर, वो आप जैसे हमारे भाई हैं तो वो क्रिएट करें तो जाके बंदा चेक करवा ले टाइम से। डॉक्टर, शुगर के कारण जो पर्दों के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके लिए भी आप यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर और जो आँखें हैं इनका आपस में एक ऐसा रिश्ता है कि शुगर वाले को आमतौर पर आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है? जी बिल्कुल, OCT मशीन नाम की अब एक नई स्कैन आ गई है शुगर के लिए जो हमारे पास यहाँ पे समराला में भी है, और उससे हम आँख का पर्दे का स्कैन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और उसके बाद एवास्टिन का इंजेक्शन लगना है चाहे पर्दे की सर्जरी है, दोनों चीज़ें हम जो है यहाँ भी कर देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। शुगर हो गया, काला मोतिया हो गया, बस इसमें एक ही बात है कि पेशेंट को चेक करवाना चाहिए, और जैसे वही है बात कि शुगर को जिसको 5 से 10 साल हो गए हैं उसके बाद आमतौर पे शुगर जमनी शुरू हो जाती है, हालांकि आपके कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल कितना अच्छा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर फिर भी 5-7 साल के बाद आपको चेक करवा लेना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि चाहे मोहाली में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे समराला में है, हर जगह पर सेवाएँ जो है वो जैरथ आई एंड स्किन की हैं, और आने वाले समय में आपका जो माइंड सेटअप है कि हमने चेन बनानी है कि केवल पंजाब में नहीं, हरियाणा में भी, हिमाचल में भी एक नई क्रिएशन करनी है जैरथ की, और आप भगवान करे आप दोनों यंग ब्लडेड हैं, सेवा कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, ऐड बहुत कम करते हैं, आपकी ऐड तो आपके पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स सही होकर जाते हैं वो आगे की आगे चेन बना रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे भाइयों का चलो प्यार मिलता रहे, और बाकी तो ये है कि हमारे मरीज़ ही हमारा रिपोर्ट कार्ड है, मरीज़ ही हमको नंबर दे के जाएगा, वही बताएगा कि हम भाई अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो आज तक तो प्रभु की कृपा से तीनों स्टेटों में हमारे जो हैं, अब मोहाली में भी हम जल्दी खोलने वाले हैं, तो सब लोग खुश हैं अभी तक प्रभु की दया से, और बस बाकी तो और तो क्या है, ठीक है। डॉक्टर, जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल को हम लोग उनसे ले भी नहीं सकते, क्या प्रभाव है, कैसे करना चाहिए? लाइट बंद करके कई बार रात को जब लाइट बंद कर देते हैं फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या दुष्प्रभाव है और कैसे उनको बचना चाहिए? सर बहुत मोबाइल का तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आजकल ग्रेव प्रोग्नोसिस, इवन साइकेट्रिक इलनेस हम बात करें बच्चों में बहुत बढ़ गई है, और ये जो ब्लू लाइट का जो कंसेप्ट चला है कि ब्लू लाइट के कारण इनके दिमाग पर डायरेक्टली असर पड़ रहा है, तो वो तो जहाँ से जहाँ तक यही है कि सबसे पहले तो हमें खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स हर दिन मोबाइल देखते रहेंगे तो बच्चा तो वही चीज़ मांगेगा। अब घर में यह है कि टीवी, पहले अगर आप याद करें दूरदर्शन पे मात्र 2-3 सीरियल आते थे जो पूरा परिवार बैठ के देखता था, तो हालांकि वो ज़माना बहुत अच्छा था क्योंकि रिश्तेदारी में आपस में बातचीत हो जाती थी, एक दूसरे का हाल चाल जान लेते थे। आज की डेट में देखिए बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, बड़ों की तो बात छोड़िए, मतलब मोबाइल और टैबलेट ने एक तरीके से हमें अकेला कर दिया कि दूसरे इंसान से हम बात करने में हिचकते हैं, और मोबाइल में हम जो है जो लिखी जाएंगे, फेसबुक पे लिखी जाएंगे, कमेंट डाली जाएंगे, लेकिन आपस में बात करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो वो चीज़ है। जैसे लाइट की क्या कहना चाहेंगे, जैसे लाइट बंद करके लोग मोबाइल देखते हैं, अंधेरे में लाइट वो देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लाइट छोड़कर और अंधेरे में, ये दोनों चीज़ों में, अभी एक पेपर में आ रहा था कि एक लेडीज़ जो है अंधी हो गई ऐसे ही, वो आंखें मतलब जो है अंधेरे में मोबाइल देखती थी। नहीं जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ब्लू लाइट फिल्टर, अब तो खैर मोबाइल की जो अच्छी कंपनी है उन्होंने तो ब्लू लाइट फिल्टर अपनी स्क्रीनों में फिर भी डाल दिया, बट अंधेरे में तो मोबाइल वैसे ही अवॉइड करिए, नहीं तो आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप रात के मान लीजिए 9-10 बजे के बाद आप मोबाइल देख रहे हैं, वैसे तो देखिए अगर जो हमारे ग्रंथ हैं जो हिंदू के, वो वैसे भी कहते हैं कि भी देवी की जो वो है कि आप अंधेरे के बाद इन सब चीज़ों का यूज़ ही कम करो। इवन यहाँ तक है कि आपका जो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग है, कमरों की लाइटें, ये भी कम से कम जलाओ आप, एक एम्बियंट लाइट जिसको बोलते हैं। तो ये बात ठीक है, अब हम अंग्रेज़ों को देख के सीख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मेंटल इलनेस बढ़ गया, लेकिन अगर हम बात करें हमारे वेदों ग्रंथों में ये चीज़ पहले से लिखी हुई है, मैंशनड है कि आप जितनी हो सके आर्टिफिशियल लाइट कम यूज़ करो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में लगाई है 15 साल से, आज हज़ारों ऐसे पेशेंट होंगे जो देखकर स्क्रीन पे खुश होंगे, और NRI जो कि आपकी पहली पसंद है जिनकी, वो तो सीधा कह देते हैं नहीं डॉक्टर जैरथ में जाओ और वहाँ से आप अपनी सर्जरी करा लो, आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आने के लिए, धन्यवाद। सत श्री अकाल दोस्तों, ये अवतार सिंह जी ने, इन्होंने भी अपने को ऑपरेशन कराया चिट्टे मोतिया का पिछले हफ्ते, ये दो शब्द साढ़े हस्पताल बारे थोड़ा कहना चाहूँगे जी। अवतार जी सत श्रीकाल जी, हाँ जी अपना जी इन्हों का वधिया ऑपरेशन कर देने, अपना 2 साल पहला भी करवाया सच्ची, अपना जल भी ठीक सी, हूँ मैं लैफ्ट साइड का कराया
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਔਰ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ।